Hello, good morning students. Good morning. Good morning everybody. Okay. आप कल के प्रीवियस क्लास में क्या बोला था? आपको क्या बोलना चाहते हैं? मैं जानना था, जानने के लिए तैयार हूँ. आप कल के क्लास में क्या जानते हैं? कल के क्लास में चलो मैं ही बताती हूँ. कल के क्लास में आया वसंत कविता के बारे में अब जानते हैं, है ना? ओके. कल की क्लास में क्या जानेंगे? वसंत वातावरण में वसंत ऋतु कब आता है? ऋतु में सबसे अच्छा ऋतु कौन सी है? सबसे अच्छा ऋतु है वसंत ऋतु. आपको समझाया जाता है वसंत ऋतु ही अच्छा. विंटर डेज के बाद तो कौन सी आता है? पतझड़ ऋतु. पतझड़ ऋतु होने के साथ ही ये वसंत ऋतु. वसंत ऋतु आने का ये कविता बहुत ही सुंदर है. कल क्या हुआ था कविता में? आया वसंत चाहे जब में शोभना सरसों के तों में उठी फूल बेरों आमों में उठी झूल बेलों में फूल लगे फूल फल में पतझड़ का वन आया वसंत आया वसंत. इतना हुआ था ना? वसंत ऋतु आके साथ ही एक पतझड़ ऋतु अंत हो जाता है, क्योंकि पतझड़ ऋतु में वो पत्तों सभी गिर जाते गिरते हैं नीचे, क्योंकि पतझड़ विंटर डेज के साथ ही आता है. इसलिए कवि क्या कहता है? वसंत ऋतु आ वसंत ऋतु आ गया है. आया वसंत छाई जय में शो ब्यूटी दिखता है सभी क्षेत्र में. मीन्स ओल्ड परिसर का पूर्ण रूप से क्या होता है? बहुत सुंदर लगता है. उसका अंतिम ही नहीं, सौंदर्य का अंतिम ही नहीं ये बताता है. और सरसों के तो में ब्यूटीफुल वो सरसों की छोटे से राय लगता आपको पता है. वो उस खेत को बन रहता है, खेत बनता है. वो खेत में फूल सभी उठ गए हैं और वही वो आमों में उठी जो एक कलियां कलियां रहती है ना, वो फूल की कलियां फलों की कलियां ये सभी क्या हुआ? आम के सब कलियां सब झूल रहे हैं. झूल मीन्स बहुत झूला झूल रहे हैं. आया है वृद्धि के साथ कर रहे हैं. वो बेलों में पूरी फूल बेलों मीन्स ये क्या हुआ? बेलों में लतों में क्या हुआ? फूल ही फूल फूल ही नहीं रहे, फूल खिले हैं. बहुत सारे फूल है पर फल फल में ही है पतझड़ का भगवान. थोड़ा ही मोमेंट में ही थोड़ा क्षण में ये आते साथ ही फल क्षण में ये पर क्या हुआ? ये पतझड़ का हुआ, क्योंकि पत्ते से भी आकर रहते हैं वसंत ऋतु में. क्योंकि झाड़ पूर्ण रूप से पत्ते नीचे गिर जाते हैं पतझड़ ऋतु में. वसंत ऋतु में पत्ते से भी आकर हरियाली दिखता है. इसलिए क्या कहते हैं? आया वसंत आया. चलो नेक्स्ट में नेक्स्ट में हम क्या करते हैं? नेक्स्ट दो पैराग्राफ है वो लिखते हैं. पहले से मैं एक बार आपको सुनाती हूँ. मेरे साथ ये दो पहले का सेवन लाइन आप एक बार मेरे साथ देखिए. आए वसंत आए वसंत चाई जग में शोभन सरसों के तो में उठी फूल बेलों आमों में उठी झूल बेलों में फूल लगे फूल पल में पतझड़ को अंत पल में पतझड़ को अंत. आए
क्या लगता है आंगन, आंगन से भी सुंदर लगता है।
किसका ये प्रकृति माता भी आवाज करा है, हमारा आंगन भी सुंदर लगता है, क्योंकि हमारा आंगन के सामने भी हमारे छोटे छोटे पौधे भी है ना, ये सभी सुंदर लगता है। हाय प्यारा, हाय प्यारा, हाय प्यारा, कितना रुद्रराज, रुद्रराज पसंद हमारा आंगन से भी सुंदर लग रहा है, क्यों लग रहा है ये देखो, हाय प्यारा कितना रुद्रराज पसंद, ये हमेशा भी सुंदर दिखता है, हरियाली दिखा रहा है, और कितना सुंदर है, कितना ब्यूटी है, और रुद्रराज हाँ सीजन किंग, सीजन की क्या कैसी है, बहुत ब्यूटी है, सुंदर है, क्योंकि हमारा आंगन, हमारा वर्ल्ड, हमारा वातावरण, हमारा एनवायरमेंट सब सुंदर लग रहा है। आय वसंत भोरे गीत, भोरे गाते हैं नया गाना, भोरे मीन्स कौन, भोरे गाते है नया गान, भोरे मीन्स कौन, ब्लैक बीट्स आपको पता है ना, ब्लैक बीट्स बीटल्स हाँ वो है ना, वो सभी नए गाना न्यू सॉन्ग गा रहे हैं, सॉन्ग सिंगल सॉन्ग न्यू, कौन है भोरे, भोरे मीन्स ब्लैक बीटल्स आपको पता है ना, बीट्स वो है ना, वो कि क्या कर रहे हैं नए गाना, हाँ सिंगर सॉन्ग ये न्यू सॉन्ग, सिंग ये न्यू सॉन्ग, कौन ये ब्लैक बीट्स, क्योंकि ये वसंत ऋतु उतना सुंदर लग रहा है, उतना वो फूल खिला है, वो आम चल रहे हैं, आम की कलियां चल रहे हैं, सब सबके सब ये बहुत खुश है, इसलिए नए गीत गा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं,
हरे भरे दिख रहा है, हरे हरे हरियाली में सुग्रीव भी दिख रहा है। सुगंध लगता है घर आंगन, सुंदर हमारा आंगन, प्रकृति माँ का आंगन, हम सब का आंगन, घर का आंगन। क्या लगता है? सुंदर लग रहा है, ब्यूटी लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है। है प्यारा अपना रुद्राज सन, हाय ओ रुद्राज अपन सीजन के तो कितना ब्यूटीफुल है, क्योंकि हम सब को इतना लाया है। हर एक पत्ता, हर एक प्राणी, हर एक पक्षी भी हमें खुश से लग रहा है। भौरव की ये भौरव गाते हैं नए गाना, ये बहुत ब्लैकबेट्स भी नए गाना सुना रहे हैं, एक न्यू गाना गाते हैं। कोकिल छेड़ती कुहू की तार, कोकिल भी हमें एक नया टून पीस कर रहे गा रहे हैं। सब है सब जीवों की सुखी प्राण, सबका जीवन क्या है सुख से बिता रहे हैं। सबकी अपना जीवन को प्राण को खुशी से बिता रहे हैं, सबके लिए सुखी लाया हसन, सबके लिए हम सबके लिए या कैसे रहना खुश से रहना, ऐसा आया हसन आकर हमें ऐसा दिखा रहे हैं। ओके चिल्ड्रन, और एक बार कहा मिनी लेकर सुगंध बाहर है, सुगंध बाद बंधु परिमळवन्न तोड़ो एना ई पवन गाड़ी हरसता इदारे यारो प्रकृति हरियाली छाई है वन, प्रतियोंदु वन काडु वन एल्ली नोड्रल्लि हरियाली तुंबिदे, हसिरु तोरणगळिंद ई प्रकृति ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ, ಸುಂದರ ಕಾಹೆಗಾರು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಯಿನ ಅಂಗಳ, ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನಾವು ಹ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿದ್ರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹೈ ಪ್ಯಾರ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ನಮ್ಮ ಋತುರಾಜನೇ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಋತುರಾಜ ತುಂಬನೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹರಿಯಲ್ಲಿಯನ್ನು ದುಂಬಿಗಳು ಹೊಸ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಗಿಲ ಚೇತಿ ಕುಹುಗೀತ, ಕೋಗಿಲೆಯು ತನ್ನ ಹೊಸ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಡ್ ನಮ್ಮ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಹೈ ಸಬ್ ಜೀವ ಜೀವ ಸುಖಿ ಪ್ರಾಣ, ಎಲ್ಲರ ಜೀವನವು ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಬಿತಾನೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಋತುರಾಜ ಸಂತ ಖುಷಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ। ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಜೀವ ಜಂತುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರಿಂದ ಈ ಋತುರಾಜ ಸಂತ ನಮಗೆ ವಸಂತ ಋತುವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ। ಆಯ ವಸಂತ ಆಯ ವಸಂತ, ಓಕೆ ಚಂದ್ರ ಸಾವಿರ ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಪ ಸುನಾವಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಸುನ आ पहले से आए वसंत आए वसंत चाई जग में शोभन, आए वसंत आए वसंत चाई जग में शोभन, सरसों गीतों में उठी फूल, भौरे आमों में उठी झूल, बेड़ों में फूल फूल, फल में पत जल
के चिल्ड्रंस आपका पसंद के बारे में सब कुछ जान गए हैं। अब वसंत ऋतु कैसा कैसे रहना हमें सब कुछ ऋतुओं के साथ ये वसंत ऋतु स्पेशल होता है ना, ये स्पेशल ही है। सब सबके सभी तरह प्रकृति माँ हरियाली से हमारा आंखें भर जाते हैं, शोभा दिखता है। हर एक पत्ते से लेकर छोटे जानवर तक हमें हरियाली हरियाली देता है। इसलिए चिल्ड्रंस हमारा जीवन भी हरियाली बनाने के लिए ये वसंत ऋतु आकर हमारा जीवन भी हरियाली बना है। इसलिए चिल्ड्रंस हम हरियाली से ही जिएंगे, हरियाली से ही पढ़ेंगे, हरियाली से ही खेलेंगे। ओके चिल्ड्रंस, आज के कल मैं एक नया विषय लेकर आऊंगी, आपके याद करना है, कंठस्थ करना है।